पाकिस्तान ही नहीं, जयशंकर के निशाने पर चीन भी रहा। हालांकि जयशंकर ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम नहीं लिया, लेकिन संप्रभुता का मुद्दा उठाकर चीन को इस मुद्दे पर घेरा। जयशंकर ने कहा कि सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभुता समानता पर आधारित होना चाहिए। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, एससीओ के मंच से चीन को भारत ने क्या संदेश दिया, इसके बारे में बता रही हैं। समिट को कवर करने इस्लामाबाद पहुंची हमारी संवाददाता गीता मोहन। आपने देखा भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, जहां एक तरफ बहुत ही ज्यादा फायरवर्क्स वाले स्टेटमेंट्स नहीं थे इस बारी, डॉक्टर जयशंकर के स्टेटमेंट्स भी काफी म्यूटेड थे, लेकिन फिर भी भारत ने अपना पक्ष जरूर रखा, चाहे वो आतंकवाद के बारे में हो या फिर सीपेक के बारे में। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर नेबर्स को साथ रहना है, रीजनल कंट्रीज को साथ काम करना है, तो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, ये जो थ्री ईविल्स की बात कर रहे थे वो, उनका खात्मा करना जरूरी है। तो इस मुद्दे से या इस पॉलिसी से नहीं हटे हैं।